ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये मामला बस 35 रुपए का है। हाँ, वही 35 रुपए जिनसे आजकल शायद एक ढंग की चाय भी ना मिले। लेकिन क्या आपको पता है, यही 35 रुपए अब झगड़ों का भी कारण बन रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसा बवाल हुआ जिसका वीडियो क्लिपिंग देख लोगे तो लगेगा किसी मसालेदार फिल्म का ट्रेलर है। और हाँ, ये कोई मामूली झगड़ा नहीं बल्कि हमारे थार वाले दबंग भाइयों की गुंडई का एक नमूना है। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के लगभग 11:30 बजे और एक चमचमाती थार टोल प्लाजा पर रुकती है। 35 रुपए मांगे जाते हैं और फिर क्या, बस यहीं से शुरुआत होता है ड्रामा। थार वाले साहब को लग गया मानो 35 रुपए मांगकर उनकी रॉयल इमेज को ठेस पहुंचा दी गई हो। गाड़ी से टक्कर मारकर पहले तो बूम बैरियर को तोड़ दिया और फिर जैसे ही उनकी रौबदार एंट्री हुई वो उतरकर हंटर का काम करने लगे। आखिर भैया 35 रुपए कोई मजाक थोड़ी होते है। अब बात इज्जत की थी, फिर लात घुसे और डंडों से मामला सेटल करना जरूरी था। उन्होंने 2 टोल कर्मियों को ऐसा पीटा जैसे मानो कोई बॉक्सिंग रिंग का मुकाबला चल रहा हो। और हाँ, घबराइए मत, इस पूरी मशक्कत को टोल के कैमरों ने बखूबी कैप्चर भी किया। बाप रे, टोल के कर्मचारियों ने समझदारी दिखाई, किसी तरह से जान बचाई और कैबिन के अंदर घुस गए। पर हमारे हीरो को इससे कहाँ संतोष था, खिड़की कांच सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब सोचना पड़ेगा टोल वालों को कि अगली बार किसी से 35 रुपए मांगने से पहले सर्वाइवल गाइड तैयार करनी पड़ेगी। वीडियो रातों रात वायरल हो गया और पुलिस की भी नींद खुल गई। गाड़ी कब्जे में ले ली गई है और अब टोल वाले भैया के हीरो जल्दी पुलिस स्टेशन के गेस्ट ऑफ ऑनर बनने वाले हैं। पुलिस ने टीम बना दी है जो हमारे पिटाई मास्टर टीम को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी है। इतनी ताकत अगर 35 रुपए देने में लगाई होती तो शायद ये सारी नौबत ही नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।